टेक्निकल प्रोविजन है। सरकार का एक व्हाइट पेपर आया, उसमें जो लिखा वो सभी राज्य सरकारों ने कानून बना दिया। इसमें कानून क्या है कि जो स्टॉक ट्रांसफर है, कोई भी स्टॉक ट्रांसफर, उसमें टैक्स नहीं है, क्योंकि वहां वैल्यू एडिशन नहीं है। आप समझ लो, ये एक प्रोविजन बहुत समझ के डाला है इसमें। मैंने भारत सरकार के एक फाइनेंस सेक्रेटरी को पूछा, एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी को, ये आपने ये जो डाला है इसमें क्या सोच के डाला? तो उनका, देखो राजीव भाई, सच्ची बात यह है कि ये सब विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए डाला। विदेशी कंपनी को फायदा कैसे पहुंचेगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बाटा का नाम सुना? एक परदेशी कंपनी, उसकी दुकानें सब जगह है, ठीक है। अब बाटा की दुकान रिटेल शॉप है और उनकी फैक्ट्री कलकत्ता में है, आगरा में है, कानपुर में है। तो कलकत्ता में माल बनाया और रिटेल शॉप में भेज दिया, तो स्टॉक ट्रांसफर हुआ, तो वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, तो वो टैक्स में नहीं है। माने बाटा कंपनी को टैक्स पे नहीं करना पड़ा। वो अपनी दुकान से जब जूता बेचेगा तभी एक बार देना है। और वो स्टॉक ट्रांसफर की परिभाषा क्या है, आपकी फैक्ट्री है और आपकी ही दुकान है, तो फैक्ट्री से माल दुकान में आया है, स्टॉक ट्रांसफर हुआ है, वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। भारत की स्वदेशी कंपनियों की तकलीफ क्या है? उनकी तकलीफ यह है कि उनके पास ना तो फैक्ट्री है ना अपनी दुकान है। बहुत सारे भारतवासी तो सब कॉन्ट्रैक्टरशिप पे काम करते हैं और करवाते हैं, उनकी अपनी कोई दुकान नहीं, तो उनको दूसरों की दुकानों से माल बेचना है, तो माने उनको तो कुछ भी करना है तो उसमें वैल्यू एडिशन होना है, तो उनको तो टैक्स पे करना ही करना है।